डाकू सब भाग गए सारा धन लेकर के। तभी वहां से एक राजा निकला। उस राजा ने जैसे सुना कि कोई ध्वनि आ रही है, उसने सैनिकों से कहा ढूंढो, तो देखा कुआं के अंदर एक बिना हाथ पैर का व्यक्ति पड़ा, रक्त रक्त निकल रहा है। उनको कुआं से निकलवाया और लेकर के अपने राज्य में गए, उनकी मल्लम पट्टी वगैरह करवाई। उनका ज्ञान देख करके राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। बोले हाथ पैर नहीं है तो क्या, ज्ञान तो अद्भुत है इनका। और वो उस नगर के राजगुरु बन गए। कौन? जयदेव महाप्रभु। अब एक दिन राजा ने कहा, बोले गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा करो, मैं दान पुण्य करना चाहता हूं। तो जयदेव महाप्रभु ने कहा एक काम करो, तुम नित्य के लिए अपने दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मणों को बुलाया करो, ब्राह्मण जो मांगा करें वो उनको दिया करो, जो आज्ञा। तो रोज राजा के दरबार में 2 घंटा के लिए ब्राह्मण ही आते थे और ब्राह्मण जो मांगते थे वो उनको देता था। इतना प्रचार प्रसार हो गया इस बात का कि दूर दूर से ब्राह्मण आने लगे। अब एक दिन वो चारों पांचों डकैत जिन्होंने उनके हाथ पैर कांटे थे जयदेव महा, उनको ये बात पता चली कि एक राजा है वो ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। ब्राह्मण बनने में क्या, चोटी रख लो, त्रिपुंड लगा लो, धोती पहन लो, जनेऊ धारण कर लो, बन गए ब्राह्मण। चारों पांचों डकैत ब्राह्मण वेश धारण करके चले गए। अब जैसे ही उन्होंने राजा के महल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही उन्होंने क्या देखा, राजा के बगल के सिंहासन पर बिना हाथ पैर के जयदेव महाप्रभु बैठे। और वो पांचों तो घबरा गए, बोले ये तो हमको जानते हैं, हमने ही तो इनके हाथ पैर काटे थे, हमको तो लगा ये मर जाएंगे पर ये तो बच गए, और अब तो भैया दंड के लिए तैयार हो जाओ, ये राजा से हमारी शिकायत करेंगे, राजा हमको पकड़ करके जेल में डालेगा। पर जयदेव महाप्रभु ने क्या किया, जैसे ही उन चारों को आते देखा, राजा से कहा ओहो ओहो नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, गाजे बजाओ, राजन देखो देखो कौन आया। राजा तो प्रसन्न हो गया, बोले कि ओहो मेरे गुरुदेव का कोई प्रिय आया, कौन है गुरु जी ये? बोले भैया हम पांचों एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, ये मेरे मित्र हैं चारों, इनका खूब सम्मान करो, खूब धन दो, खूब धन धान्य से इनको संपन्न कर दो। अब राजा दूसरों को जितना देता था उससे दुगना दुगना करके उन चारों को दिया, इतना दिया कि वो उठाई नहीं पा रहे थे। तो राजा ने सैनिक दिए, बोले मैं सैनिक आपके संग भिजवा रहा हूं, ये सैनिक सारा सामान लेकर के आपके घर तक छोड़ के आएंगे। चारों थोड़े खुल गए, और तो जयदेव महाप्रभु के पास, और मित्र कैसे हो? जयदेव महाप्रभु, हाँ मैं अच्छा हूं। जयदेव महाप्रभु जानते थे कि इन चारों ने मेरी स्थिति की, पर उन्होंने क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया। जैसे ही चारों जाने लगे सारा सामान लेकर के सैनिकों के साथ, तो सैनिकों ने कहा, बोले हमारे राजा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को दान दिया पर आप जैसा दान किसी को नहीं दिया, वो बिना हाथ पैर वाले जो गुरुजी हैं उनसे आपका क्या संबंध है और उनके हाथ पैर कट कैसे गए? तो चारों क्या बोलते हैं, बोले अरे अब हम तुमको सच्चाई बता रहे हैं, हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ता था वो, और एक दिन उसने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी। अब देखो झूठ बोल रहे हैं चारों। एक दिन गुरुजी के यहां उसने बहुत महंगे रत्न की चोरी करी, तो गुरुजी ने हम चारों को आज्ञा कर दी, ये रत्न चुरा करके भागा है, इसको बीच जंगल में ले जाकर के वहां इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। गुरुजी की आज्ञा मान के हम चारों गए। अब हम चाह तो रहे थे उसको मारना, गुरुजी की आज्ञा तो थी मारने की, पर गिड़गिड़ाने लगा हमारे आगे, रोने लगा, और उसने बहुत हाथ पांव उसके कांपे, उसके आंखों में आंसू देख के हम चारों ने उस पर दया कर दी, उसको मारा नहीं, उसके हाथ पर काट दिए, वही तुम्हारे यहां राजगुरु बन के बैठा है। जैसे ही ये बात कही पृथ्वी फट गई और वो चारों पृथ्वी में समा गए। मतलब प्रकृति ने दंड दिया। एक तो सामने वाले के साथ तुम गलत करके आए, उसने तुमको क्षमा कर दिया, ऊपर से किसी ने पूछा तो तुम उसके, इतना धन धान्य तुमको दिलवाया उन्होंने, ऊपर से तुम उनकी निंदा कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। प्रकृति उनके भार को सह नहीं पाई और फट गई बीच में से, चारों समा गए। सैनिक दौड़ करके गए महाराज और जाकर के राजा को सारी खबर बताई, तो राजा ने
जयदेव महाप्रभु से पूछा, भगवान ये क्या हुआ? तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले देखो राजन, अपराध करने वाले को दंड देना सामान्य बात है, पर अपराध करने वाले को क्षमा कर देना ये सबसे बड़ा दंड है। मैंने उनको क्षमा कर दिया था तो मेरी क्षमा का बदला प्रकृति ने लिया। आज के बाद प्रयास करना, कोई गलत करता आप उस पर चिल्ला भी देते हो ना तो भी ये समझ लो कि आपने बदला ले लिया, आप क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया इसका मतलब क्या है कि आपने उसको और कुएं में फेंक दिया, अब प्रकृति नहीं छोड़ेगी उसको। लेकिन फिर भी वैष्णव का स्वभाव दंड देना नहीं है, वैष्णव का स्वभाव क्षमा करो। क्षमा बड़ेन को चाहिए, बड़े लोगों का स्वभाव क्षमा। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया, भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और अपना नाम दे दिया, मेरा नाम कृष्ण तेरा नाम कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार द्रौपदी पर भगवान ने अनुग्रह किया। इसलिए कभी भी जय श्री कृष्णा मत बोला करो, जय श्री कृष्ण आ की मात्रा लगाते वो द्रौपदी का नाम हो जाता है। भगवान का नाम कृष्ण है। द्रौपदी पर अनुग्रह किया। अर्जुन ने आधी दाढ़ी आधी मूंछ आधे केश और शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अपने ऊपर किए गए अपमान का बदला लेने के लिए गया और उसने देखा कि इन पांडवों का वंश वैसे तो खत्म हो चुका है, पांचों बालकों को मैंने, और मैं ऐसा क्या करूं कि इन पांडवों का वंश यहीं रुक जाए, इसके आगे बढ़े ही ना, इनके यहां तर्पण करने वाला भी ना बचे। तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि पांडवों के वंश में अर्जुन की पुत्र वधु, मतलब अर्जुन के बेटा अभिमन्यु वो तो रहा नहीं, लेकिन उसकी पत्नी विधवा पत्नी अभी गर्भवती है, अगर उसके गर्भ का बालक मर जाए तो इन पांडवों के यहां पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। और उसने बैठे बैठे अपने भवन से ही ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए छोड़ दिया। आकाश से जैसे ही बाण आने लगा, उत्तरा ने जैसे ही बाण को देखा दोनों भुजा उठा करके दौड़ी श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ करके द्वारिका जा रहे थे। भगवान ने कहा भैया महाभारत युद्ध हो गया, सब जीत गए, अब मैं द्वारिका जाऊं। जैसे ही द्वारिका जाने को प्रस्थान करने लगे, उत्तरा दौड़ी भगवान के पास कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पशे यत्र मृत्यु परस्पर। पूर्ण समर्पण, एक क्षण भी उसने विचार नहीं किया, आपत्ति आते ही दौड़ी भगवान की शरण में और भगवान से जाकर के कहने लगी, मैं भले ही मर जाऊं मेरे गर्भ के बालक को बचा लीजिए नाथ। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बन करके उसके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए। अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी ने गर्भ में जाके घुमाया, आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये बालक कौन है? यही बालक है परीक्षित। कौन है? एक बात सुनिएगा, ये कोई ऐसी मनगणंत बात नहीं है, बहुत ऊंची बात है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव पूज्य श्री रामानुज गुरु जी कहा करते हैं, क्या भगवान गर्भ में चले गए रक्षा करने? वो गर्भ जो इतना अपवित्र होता है। बोले भगवान गर्भ में बालक की रक्षा करने नहीं गए थे, भगवान गर्भ में इसलिए गए, बोले भैया ये बालक भविष्य में चल करके मेरी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा करनी है। तो इसका मतलब क्या है? मातृ गर्भ में संकट सभी माताओं को आता है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मां जब गर्भवती होती है उस मां के गर्भ में, गर्भ काल में संकट सब माताओं के गर्भ में आता है।
हम सब सुरक्षित जन्म लेते हैं तो इसका मतलब है हमसे ठाकुर जी को कोई उम्मीद है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कि संसारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं बहुत बढ़िया व्यापारी बने, किसी को ठाकुर जी चाहते हैं कुछ बने कुछ बने। पर इस पंडाल में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबकी रक्षा स्वयं ठाकुर जी ने मातृगर्भ में आके करी। क्यों? क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि श्रोताओं की रक्षा भगवान ही करते हैं। हम सबकी मातृगर्भ में रक्षा श्री ठाकुर जी ने की है, इसीलिए हम कथा में बैठे। या फिर आज कथा में बैठकर के ये प्रमाणित हुआ कि हमारा जन्म सुरक्षित इसलिए हो गया क्योंकि ठाकुर जी को यह पता था कि ये कभी कथा का श्रोता बनेगा, इसलिए सुरक्षित रखो। नहीं तो जीवन में आर्त तो हर समय आते रहते हैं हमारे जीवन में। ये बात पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव ने कहीं लिखी, मैंने वहां पढ़ी थी। तो भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, और उसके बाद पता क्या किया भगवान ने, जैसे ही ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हुआ तो वहां जितने पांडव खड़े थे, जितने लोग खड़े थे, सब भगवान की जय जयकार करने लगे। द्वारिकाधीश की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बोले, मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? सब बोले कि आपने रक्षा की उत्तरा की। भगवान बोले, मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूं, मैंने रक्षा कर दी। अरे उत्तरा ने आकर के चरणों में प्रणाम किया तो भाई मैं उठ करके कुछ करूं, मैं तो ब्रह्मास्त्र देख भी नहीं पाया, इतने में तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, इसमें मेरा बल नहीं है। भगवान का ये स्वभाव है, किया तो भगवान ने, रक्षा करी तो भगवान ने, लेकिन श्रेय किसको दे दिया? उत्तरा को ही दे दिया। भगवान बोले, भैया ये उत्तरा का ही धर्म बल है, ये उत्तरा का ही पातिव्रत बल है, ये उत्तरा का ही भजन साधन है कि ब्रह्मास्त्र उसको छू नहीं पाया, आकाश में नष्ट हो गया। तो जितने लोग खड़े थे वो सब उत्तरा की जय जयकार करने लगे। दूर खड़ी कुंती मंद मंद मुस्कुरा रही, बोले बड़े चतुर हो आप, स्वयं रक्षा करते हो, स्वयं सब स्थितियां संभालते हो, लेकिन आपका स्वभाव है दूसरों को मान देना, दूसरों को सम्मान देना। किया सब आपने ही है, लेकिन मान दूसरे को दे रहे हो। हमारी स्थिति कैसी? हम बिल्कुल उल्टे हैं। काम किसी और ने किया है पर हम चाहते हैं हमारा नाम भी अखबार में आ जाए। रिपोर्टर का नंबर लिए घूमते हैं कई लोग, भैया सुनो वो अखबार में छपेगी ना, उसमें हमारा नाम भी डाल देना। क्यों? हम भी तो थे वहां पे, उसने जो वो काम किया उसमें सहायता तो हमने ही करी थी उसकी। कई जगह होता है कथा बहुत बढ़िया हो जाती है, तो कथा होने के बाद में सब लोग प्रशंसा, अरे भाई तुमने बहुत जोर कथा कराई। कुछ लोग कहते हैं, पैसा तो हमने ही दिए थे इसको कथा कराने के, सहायता तो हमने ही करी थी, इसने कथा कराई तो क्या हो गया? पंडाल तो हमने ही बनाया था, इन्होंने कथा कराई तो क्या हुआ? ब्यास जी को नंबर तो हमने दिया था ब्यास जी का, इनसे कराओ कथा। लोग श्रेय लेने के कितने आदी हो जाते हैं, लोगों को श्रेय लेना कितना पसंद है, तो हमारे ठाकुर जी ये दूसरों को श्रेय देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अमानी नाम मान देना, ठाकुर जी अमानी है, दूसरों को मान देते। भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, कुत्ती स्तुति हुई। आगे फिर और प्रसंग आते हैं, फिर वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसी बालक को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। बालक ने एक ब्राह्मण का अपमान किया, उस ब्राह्मण बालक